नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, शहरों या गांव, दिन हो या रात, हर छोटी और बड़ी खबरों को लेकर हम हैं आपके साथ। जी हां, हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसएसपी अनंत देव तिवारी के निर्देशन में एक बार फिर शहर कोतवाली पुलिस ने कारनामा कर दिखाया है, जहां शहर कोतवाल अनिल कपरवान और एसएसआई समयपाल अत्री ने पुलिस टीम के साथ मिलकर बुढ़ाना मोड़ के पास जंगलों में मुखबिर की सूचना पर कॉम्बिंग की, जहां पुलिस और दो बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है, जिन्हें पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध असलाह भी बरामद किया है। सिवराय थाना क्षेत्र की गाजा वाली पुलिया पर युवती से मिलने आए युवक को मोहल्ले वासियों ने पकड़ लिया, जहां युवक के साथ लोगों ने जमकर मारपीट भी की। वहीं शरारती युवकों ने युवक की मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले करने का प्रयास किया। मामले की सूचना पर एसपी सिटी ओमवीर सिंह और थाना अध्यक्ष सिविल लाइंस डीके त्यागी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया और जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कई आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। मुकेश नामक व्यक्ति का मकान है। इसके घर में इस समय 7-8 मेंबर थे, महिला और पुरुष मिला के। इनके यहाँ इनकी लड़की, एक निशा नाम की लड़की है, जो पहले किसी कॉल सेंटर पर काम करती थी, उसके साथ ही एक और लड़का काम करता था, वो यहाँ मिलने आया था। वो बैठ के अपना चाय वाय पी रहे थे, ये लोग आए और जो इनके यहाँ आया हुआ था, मोहल्ले वालों का शक था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कुछ इस तरह की उन लोगों के दिमाग में था। ये बता रही हैं एक दो लड़की की, उनके साथ भी मारपीट की गई है और उसकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी, उसमें आग लगा दी है। यद्यपि आग हल्की सी लगी थी, बुझा दी गई है। जो लोग जिन्होंने इस तरह की हरकत की है अनावश्यक रूप से, क्योंकि घर के लोगों से भी बातचीत हुई है, केवल किसी के आने पर एक संदेह पैदा कर लेना, जब तक उस संदेह की पुष्टि ना हो, कानून लेने का अपने हाथ में अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ मोहल्ले वाले लड़कों ने अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास किया है। अगर उन्हें संदेह था, कोई बात थी, तो ये बात पुलिस को भी बताई जा सकती थी, उसकी जांच हो जाती, सारे काम हो सकते थे। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। एसएसपी अनंत देव तिवारी के आदेशों पर चलाए जा रहे संदिग्ध धरपकड़ अभियान के तहत फुरकाजी थाना अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों युवक वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, जो मोटरसाइकिलों को चोरी कर फर्जी कागज बनाकर बेच देते थे। वहीं पुलिस ने तीनों वाहन चोरों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुरकाजी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 वाहन चोर पकड़े गए हैं, जो पुरकाजी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनसे 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में दंगा नियंत्रण अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अनंत देव तिवारी के निर्देशन में सभी पुलिसकर्मियों द्वारा मॉब ड्रिल को दर्शाया गया, जहां धरना प्रदर्शन के दौरान भीड़ के उग्र होने पर किए जाने वाले प्रयासों का पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान एसएसपी अनंत देव तिवारी, एसपी सिटी ओमवीर सिंह, एसपी देहात अजय सहदेव, सीओ सदर मणिलाल पाटीदार सहित सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज यहां लाइंस में एंटी रायट ड्रिल का अभ्यास कराया गया है। देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन उग्र भीड़ में या हिंसात्मक भीड़ में कन्वर्ट होता है, तो पुलिस द्वारा यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ता है। तो यूज़ ऑफ फोर्स के स्टेप्स हैं, चूँकि धरना प्रदर्शन एक तरीके से इसकी आज़ादी है लोकतंत्र में, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे यूज़ ऑफ फोर्स किया जाए। शुरू में पहले उनको चेतावनी दी जाए, उनको आगाह किया जाए, फिर उसके बाद से उनको लाठी चार्ज का, फायर सर्विस से उन पर पानी डालते हैं, फिर टियर गैस, फिर लास्ट में रिसॉर्ट करते हैं कि हम लोग फायरिंग उन पर करें, जिससे मिनिमम कैजुअल्टी हो, और लोगों को समझा बुझा करके हर स्टेप पर उनको समझाने की कोशिश की जाती है पुलिस की ओर से। जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव हलछोया में बेखौफ बदमाशों का आतंक सामने आया है।
जहां गांव के मदरसे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे मौलवी पर बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मौलवी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल मौलवी को चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मदरसे में आ रहा था पढ़ाने के लिए घर से अपने, जैसे ही मोबाइल की लाइट जला के चल रहा था आगे, तो पीछे से आगे गोली मारी और फिर गोली मारते वापस भागने लगा। मुझे लाइट मारी उसके पीछे, तो पता चला कि वो बुशहेड पहन रहा और पैंट पहन रहा, पता चला कौन था। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव करनपुर में डीजे पर नाचते समय दूल्हे के भाई ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें परिवार के साथ शादी में आए अंतरेश नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक के परिजनों ने आरोपी गुड्डू पर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आरोपी गुड्डू को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शाहबाद की चौकी है सैफनी, उसका गाँव है करनपुर की मड़ैया। उसमें महेंद्र सिंह के लड़के की शादी थी, तो उसमें मृतक और उसका परिवार भी उस शादी को अटेंड करने गया था। या आप इसमें चाचा ताऊ के परिवार के ही लोग हैं, तो वहाँ पर हर्ष फायर के दौरान इसको अंतरेस्ट को गोली लगी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, मुकदमा लिख लिया गया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, उसमें गुड्डू की गिरफ्तारी हुई है। संभलेड़ा स्थित पशुपतिनाथ पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में 130 करोड़ भारतीयों के विकास की मनोकामना के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना देश के प्रकांड ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र जप और पूजन विधि विधान के साथ किया जाता है। इस आयोजन में वरिष्ठ समाज सेवी सत्य प्रकाश देशु और ग्रामीणों का सहयोग निरंतर मिल रहा है, जहाँ रोजाना प्रातः और सांध्यकालीन पूजन में भारी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि किसानों को बकाया गन्ना भुगतान जल्द कराया जाए और किसानों को मिलर द्वारा पर्चा भी दिलाई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की बेटियों की शादी के लिए सहायता धनराशि उपलब्ध भी कराई जाए। किसानों की समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जिला ज्ञापन सौंपा है। उसमें सबसे मेन मुद्दा बिजली का है, जो बिजली की दरें महंगे हो गई हैं, कमर तोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हर किसान मजबूर कर दिया, हर चीज में सब्सिडी कर दी, आधार कार्ड हर चीज में आधार कार्ड लगा दिया, कि जो आधार कार्ड लगा जब भी किसानों को सम्मान मिलेगा। और क्या नाम, हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार किसानों की बेटियों की सहायता करे शादियों में, उन्हें धन अनुदान करे। और क्या नाम जो है, बिजली विभाग जितने बिलों में गड़बड़ हो रखी है उन्हें ठीक करावे और जो बढ़ी हुई दर है उन्हें कम करें। भोपाल रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय भारत में सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा के नए आयाम रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ राजीव कुमार गुप्ता मौजूद रहे। इस संगोष्ठी में विभिन्न जिलों के प्रतिभागियों द्वारा हिस्सा भी लिया गया, जहां सभी ने भारत में सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा के नए आयामों पर अपने विचार रखे। आज हमारे एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय भारत में सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा के नए आयाम। इस सेमिनार में प्रतिभाग करने के लिए चीफ गेस्ट हमारे राजीव कुमार गुप्ता उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ पधारे। अलावा विभिन्न शहरों से, विभिन्न जिलों से और विभिन्न राज्यों से हमारे यहाँ विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया है। शुक्रवार को ईंट भट्टा कामगार यूनियन के बैनर तले ईंट भट्टा श्रमिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया, जहां उन्होंने ईंट भट्टा श्रमिकों को 700 रुपए प्रति हजार ईंट पथाई रेट दिए जाने सहित अन्य मांगे उठाई। इस दौरान एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा गया। हमारे जो ईंट भट्टा है वो सीजन कर्मचारी और 5-6 महीने से चलता है, समस्या है। सबसे पहले समस्या तो ये है कि उनको रेट बहुत कम दिया जा रहा है, महंगा के मजदूरी ठीक से मिले इसलिए मांग हमारी। दूसरे, ये संसाधनों का पालन नहीं हो रहा है, उनको बोनस नहीं दिया जाता, बोनस दिया जाना अति आवश्यक है, उसे लागू कराने के लिए। और कैब फंड मजदूर को मिलना चाहिए और उन्हें दायरे में ला करके संसाधन के तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो संसाधन के अंतर्गत आती है।